थ्रोन रूम प्रेयर में मैं लैला तैरुन गॉड टीवी की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सबका धन्यवाद जो हमारे साथ मध्यस्थ के रूप में जुड़े हैं। आज हमारे साथ कोई विशेष मेहमान है, मेरे कुछ और मित्र कैलिफोर्निया से, डॉक्टर फ्रेड एंसू राव, और उनके साथ आपको बहुत ही आनंद आएगा। वो आपके साथ प्रार्थना के और तरीके बांटेंगे और प्रार्थना के बारे में और उत्साहित करेंगे, और यहाँ पर आज हम एक छोटी सी शिक्षा भी देंगे। मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के कई तरीके हैं। हम उसके सिंहासन कक्ष में जाने की बातें तो करते हैं, लेकिन जाएंगे कैसे? मुझे नियम कहना पसंद तो नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ वचन है जो कि बाइबल में है और स्वयं परमेश्वर ने दिए हैं कि कैसे हम और गहरे रूप से उससे मिल सकते हैं। इसलिए मैं आज यहाँ पर एक बहुत 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 ही जाना पहचाना एक वचन लेना चाहती हूँ। खासतौर से अगर आप प्रार्थना सेवकाई में हैं तो आपने ये बहुत बार सुना होगा, और इस वचन को लेके आज हम इसे थोड़ा सा विभाजित कर कर देखेंगे। आप इसे देख सकते हैं दूसरा इतिहास 7:14 में, शायद ये मूल जबानी भी आपको याद हो। आप इस वचन की पृष्ठभूमि को अच्छे से जानते होंगे, लेकिन यदि नहीं भी जानते हैं तो आज हम इसे यहाँ पर आपको बताएंगे। अगर आप वचन के इस भाग से परिचित नहीं है तो सुने, सुलेमान राजा बन जाता है और अभी उन्होंने मंदिर का निर्माण भी पूरा किया ही है, और उन्होंने उसका उद्घाटन और अभिषेक किया ही था, और एक बड़ा उत्सव उन्होंने मनाया और बलिदान चढ़ाए और परमेश्वर की महिमा उतर आई, और याजक वहां पे खड़े नहीं रह पाए और मुंह के बल गिर पड़े। वो खुशहाली का एक बहुत ही अच्छा समय था इसराइल के लिए, और उनकी वहां पर किसी से लड़ाई भी नहीं थी। परमेश्वर अपनी आशीषें उन पर उंडेल रहे थे सब प्रकार के साधनों के रूप में। वो एक अच्छा समय था, लेकिन परमेश्वर जानते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि समय का एक चक्र है। वो जानते थे कि एक ऐसा समय आएगा जब इसराइल समस्या में पड़ेगा, और इसलिए वो सुलेमान के पास आए और उन्होंने उसको ये वचन दिए। तब यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, क्योंकि सुलेमान ने कहा था उसे केवल परमेश्वर से बुद्धि चाहिए, और प्रार्थना में ये मांगना हम में से प्रत्येक के लिए अच्छा है कि परमेश्वर हमें बुद्धि दे। हमारी बुद्धि शून्य हो जाएगी, हमारी बुद्धि हमें समस्या में डालेगी, हमारी बुद्धि हमें निराशा में डालेगी। यदि हमारे पास परमेश्वर की बुद्धि हो तो वो हमें युक्ति देगा, और परमेश्वर के पास एक युक्ति है प्रत्येक देश के लिए। इसी की याचना हम कर रहे हैं। अगर आपके पास एक युक्ति है अपने देश को जीत लेने के लिए, या अपने देश को बदलने के लिए, या अपने देश में प्रभाव डालने के लिए, तो आइए यहाँ देखते हैं। वहाँ लिखा है 12वें वचन में ऐसा लिखा है, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय उसका 12वां वचन, तब यहोवा ने रात को उसे दर्शन देके कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और स्थान को बलिदान के भवन के रूप में अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा के बीच में मरी फैलाऊं, अब वो जाना पहचाना वचन, तब यदि मेरे लोग उसके लोग पापी नहीं लेकिन उसके लोग, मसीह लोगों, आज हम आपकी बात कर रहे हैं, उसके लोग, उसकी प्रजा के लोग जो उसके कहलाते हैं, अपने आप को दीन करें, प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा कर दूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हर एक प्रार्थना समारोह में हम इस वचन को सुनते हैं, ये ऐसे बताते हैं, ये एक नींव का वचन है। हर एक प्रार्थना समारोह में या प्रार्थना सम्मेलन में और हर एक प्रकार की सभा में। लेकिन क्यों देश ज्यों का त्यों नहीं बना रहा? क्योंकि उसके लिए हमें उसके निर्देशों का पालन करना है। प्रार्थना के लिए सबसे पहली चीज है अपने आप को दीन करें। परमेश्वर दीन की प्रार्थना सुनते हैं, घमंडी का सामना करते हैं लेकिन दीन की सुनते हैं। ये बातें आपकी आत्मा में अमर हो जाएं कि मैं अपने आप को दीन करूंगा, मैं अपने आप को दीन करूंगा उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे त्याग दिया है, मैं उन लोगों के लिए भी अपने आप को दीन करूंगा जिन्होंने मुझे नहीं चाहा, मैं अपने आप को दीन करूंगा और अपने जीवन से उस घमंड को तोड़ दूंगा। और फिर लिखा है कि जब तुम अपने आप को दीन करो और प्रार्थना करो, उसके बाद प्रार्थना करनी है, पहले अपने आप को दीन करो और फिर प्रार्थना करो। यीशु ने भी कहा, जब तुम प्रार्थना करते हो किसी के साथ तुम्हारा रिश्ता खराब है तो पहले जाकर उसे ठीक करो और मेरे दर्शन के खोजी हो। कुछ बहुत ही सामर्थ्य है अपने आप को दीन करने में, प्रार्थना करने और उसके दर्शन के खोजी होने में। और फिर कहता है अपने पापों से मन फिराओ। वो विश्वासियों से बात कर रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि यदि आप परमेश्वर के साथ उस संबंध में आते हैं, यदि आप अपने आप को उसके अलावा मनुष्य के आगे भी दीन करते हैं और फिर आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके सम्मुख प्रकाशित करेंगे वो सारे मुद्दे, आपके जीवन के वो सारे क्षेत्र जिससे आपको पलटना है, और फिर आप उन सारे पापों से पलट जाते हैं। फिर वो कहता है यहाँ चंगाई दो। उससे पहले वो नहीं कहता कि वो सुनेगा, वो कहता है वो जरूर सुनेगा और वो चंगा करेगा आपके देश को।
परमेश्वर की महिमा हो। इस समय हम चलेंगे, मेरे कुछ बहुत ही अच्छे मित्र आज यहाँ मुलाकात के लिए हैं, उनका नाम पहले ही बता चुकी हूँ। इस समय हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और हम फिर से लौटेंगे, राउस दंपति से मिलेंगे। परमेश्वर आशीष दे। क्या आप एक मध्यस्थ हैं? थ्रोन रूम प्रेयर के मध्यस्थों की मंडली से जुड़ें ताकि आप विश्व भर के प्रार्थना मिशन का भाग हो सकें और हम सब एक साथ मिलकर देशों पर प्रभाव डाल सकें। ऑनलाइन साइन अप करके आप लैला तहरून द्वारा शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और फेसबुक पे भी हमारे मध्यस्थों के समूह का भाग हो सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप जाएं god.tv/trp पर और गॉड टीवी के मध्यस्थ बने आज ही। फिर से स्वागत है। आज आप मेरे मेहमानों से मिलकर बहुत ही खुश होंगे। वो शानदार लोग हैं, डॉक्टर फ्रेड और सू राव, और वो कैलिफोर्निया से हैं और इसके लिए हम उन्हें दोष नहीं देंगे। और हम ये कह सकते हैं कि उनकी एक सेवकाई है, वो इसके विषय में बात करेंगे और आप इसका आनंद लेंगे। फिर से प्रार्थना के फलों के विषय में, ये सारे कार्यक्रम इसी विषय में है कि प्रार्थना के फल क्या है और मैं प्रार्थना क्यों करूं। और आपका स्वागत है। धन्यवाद। दूर से ही चुम्मन ले लीजिए। मैं इतनी दूर नहीं पहुंच सकती। ठीक है, मेरे पास कुछ प्रश्न हैं जो मैंने लिखे हैं। और यूएस वॉच और ग्लोबल वॉच, इसकी स्थापना आपने की है इतने सालों में, और सबसे पहला प्रश्न ये है, आप दोनों प्रशिक्षित चिकित्सक हैं, आपने व्यक्तिगत प्रार्थना कैसे शुरू की? हमने एक किताब पढ़ी थी लैरी ली के द्वारा लिखी गई कई साल पहले, कुड यू नॉट टेरी वन आवर। उस किताब को पढ़ने के बाद हमारे पास कोई कारण नहीं था कि हम क्यों रोज एक घंटा प्रार्थना ना करें, तो हमने ऐसा ही करना शुरू किया। और जैसे ही हमने ऐसा किया तो वो सच में बहुत अद्भुत था। अब हमारी आदत है कि हम प्रतिदिन एक घंटा प्रार्थना करें, और इस बात को तकरीबन प्रिय कितना समय हो गया होगा, शायद 20 साल या 20 साल से भी ज्यादा। और इसने हमारे आत्मिक जीवन को कहे तो पूर्णतया बदल दिया, एक बहुत तेज बढ़ोतरी आ गई। और आप एक चिकित्सक भी थे, तो क्या आपके पास रोज निकालने के लिए समय था? क्योंकि लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है प्रार्थना के लिए। ठीक कहा, हमने समय तय किया, हमने इसे प्राथमिकता दी। हमें बस यही करना है ना? जी, वास्तव में सुबह के समय ये मेरे लिए कुछ भी करने से बेशतर पहला काम होता है। देखिए, बिल्कुल भोर के समय एक तो किसी तरह का खलल नहीं होता, सेल फोन भी नहीं बजता और ना ही कोई व्यक्ति फोन करता है, या उस समय किसी तरह का विघ्न नहीं होता, और बच्चों का भी नहीं होता। जी बिल्कुल, हमने ये निश्चय किया है कि हमें इसे प्राथमिकता बनानी ही होगी। जी सू, अपने बारे में बताएं। ओ, कहानी बिल्कुल एक समान है, और ये बदल गया सबसे बढ़कर विश्वास के रूप में, और हमें बहुत सारा अनुशासन रखना पड़ा उस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए, पर बहुत ही जल्दी ये एक आनंद की बात बन गई, और फिर इसकी इच्छा मेरे अंदर उत्पन्न होने लगी, और फिर पवित्र आत्मा ने हमें ये विश्वास दिलाया कि इसके बिना हम नहीं रह सकते। प्रार्थना के विषय में जब बात करते हैं तो मैं ये नहीं कह रही, ओह, मैं बात कर रही हूँ एक संबंध के विषय में जो मेरा यीशु के साथ है। परमेश्वर की महिमा हो। आपका व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन धीरे धीरे सामूहिक रूप में बदल गया, पहले कलीसिया के लिए, फिर शहर के लिए, और फिर आप ये कई साल से करते आ रहे हैं, हमें पता है। मुझे ये प्रश्न बहुत पसंद आ रहे हैं। और कब आपको ऐसा लगा कि प्रार्थना जीवन में आपको एक बदलाव लाना है, घरेलू व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन से? शुरुआत में जब हमने अपना प्रार्थना जीवन शुरू ही किया था, तब हम सैन डिएगो में थे, जॉन मैक्सवेल और उनकी कलीसिया के साथ स्काईलाइन में। वो बहुत ही शानदार पास्टर थे जो प्रार्थना के लिए बहुत ही जोश रखते थे। हम बड़े हैं उनकी ही अगुवाई में, लेकिन जब परमेश्वर ने हमें भेजा हमारे वर्तमान के शहर में बेकर्सफील्ड में, जो कैलिफोर्निया में है, तो हम जानते थे कि वो हमें प्रार्थना के लिए वहाँ लेके आए हैं। और हमारे वहाँ रहने के शुरुआती दिनों में और राष्ट्रीय अगुओं ने हमें बुलाया और बताया कि वो कैलिफोर्निया के लिए बहुत चिंतित हैं, तो क्या आप कैलिफोर्निया कॉल फॉर प्रेयर को संगठित करेंगे? और वो 1998 की बात है, और चक पियर्सन उसके भाग थे, और उन्होंने एक बहुत ही सामर्थ्य भविष्यवाणी हमें दी वॉच को स्थापित करने की, कि हम अपने क्षेत्रों में प्रार्थना समूह बनाएं, और हमने उसे बहुत गंभीरता से लिया, और तब से हम आज तक इसे कर रहे हैं। और 1998 से, हाँ, तब से ही सामूहिक प्रार्थना समूह चल रहा है 1998 से। बिल्कुल ठीक। वाह, ये
बहुत ही लंबा समय है, करीब 20 वर्ष। हाँ, एक लंबा समय और बहुत साहस की जरूरत पड़ी, लेकिन उस प्रक्रिया में हमने ये जाना, जैसे कि हमारा प्रार्थना का शुरुआती जीवन था स्काईलाइन चर्च में, जहाँ प्रार्थना का महत्व था, ऐसा सब जगह नहीं है, अधिकतर स्थानों पे। यहाँ तक कि जब उन्होंने वो भविष्यवाणी की घोषणा की, मैंने सोचा कि हम कलीसियाओं में जाएंगे और उनके प्रार्थना सेवकाइयों को एक साथ जोड़ देंगे। और मैं करीब 6 चर्चों में गई और मैंने देखा वो तो जानते भी नहीं है कि मैं क्या बात कर रही थी। और फिर ये हुआ कि हमने केवल 6 लोग लिए जिन्हें हम जानते थे। तो कोई बड़ा समूह नहीं था? नहीं, आपने शुरुआत केवल 6 लोगों से की। 6 लोगों से। निश्चय ही ऐसे लोग सुन रहे होंगे जो ये कहते हैं, अरे मेरा प्रार्थना समूह तो बहुत ही छोटा है, ये प्रभावी नहीं हो सकता। तो आप राउस की सुने। कभी भी इस कारण से भयभीत ना हो। खैर, हमने ये निश्चय लिया कि हम 4th पहर की प्रार्थना के लिए समर्पित होंगे, जो सुबह के 3 से 6 बजे तक थी, 1998 से लेकर। हाँ, और उन शुरुआती दिनों में। और फिर ये एक कहानी है, जल्दी से मैं आपको बताऊंगी। हमने निश्चित किया हफ्ते की एक रात को जब हम 4th पहर की प्रार्थना करेंगे और लोगों से संबंध कायम करेंगे। बेकर्सफील्ड एक ऐसा शहर था जहाँ पर कि पहले मुद्दे होते थे और फिर प्रश्नों पूछे जाते थे। बहुत अपराध थे वहाँ, और हमने करीब 3 महीने तक इसे किया और वहाँ के अपराध करीब 30% कम हो गए। और फिर आगे चलकर पुलिस ने इधर ध्यान दिया और अखबारों ने भी इस पर ध्यान दिया कि अपराध सच में बहुत कम हो गए हैं। और उन्होंने इस छोटे से प्रार्थना समूह के विषय में सुना। टीवी पर भी हमारा इंटरव्यू आया और तभी से सब कुछ खुलकर सामने आ गया। और अब वो एक अलग ही शहर है जो वो 15-16 वर्ष हाँ, मैं पहले गई था। हूं और मैं फर्क बता सकती हूँ। मैं कैलिफोर्निया निवासी हूँ। कई अंतर्राष्ट्रीय प्रार्थना नेटवर्क अस्तित्व में है। ग्लोबल वॉच और उनमें क्या अंतर है जिसकी स्थापना आप लोगों ने की है? मैं कहूंगा कि जो बातें हमने सीखी हैं प्रार्थना करते हुए इतने सालों में, जिससे ये सेवकाई आगे भी बढ़ी है। और ऐसा हुआ जब हमें ये एहसास हुआ कि हम लोगों के साथ इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हैं पर हम उन्हें किसी तरह जानते नहीं हैं और हम आपस में किसी तरह का संबंध स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण प्रकाशन था, क्योंकि हमें लगा कि प्रार्थना में बहुत कुछ पाया जा सकता है अगरचे उन लोगों के साथ जिनके साथ आप प्रार्थना कर रहे हैं अच्छे मजबूत संबंध हो। तब आप आसानी से सहमत हो सकते हैं, एक दूसरे पर भरोसा रख सकते हैं। जब आप सहमत होकर समझौता करते हैं, ऐसी स्थिति में परमेश्वर कहता है जब 2 जन किसी एक बात के लिए सहमत होंगे तो अवश्य हल पाएंगे। तो हमें लगा कि ये ज्यादा बेहतर होगा कि प्रार्थना का एक छोटा समूह हो जिसमें हम आपस में एक दूसरे को जान सकें, क्योंकि ये ज्यादा प्रभावकारी है। और कई बार प्रार्थना के बड़े समूह होते हैं, बेशक वो महत्वपूर्ण है, अच्छी बात है, पर परमेश्वर के राज्य में परिवर्तन लाने के लिए ऐसा करना इतना अधिक लाजमी और प्रभावी नहीं होगा। और ये बहुत सही है। बिल्कुल सही कहा कि बहुत से दूसरे बड़े प्रार्थना करने वाले समूह हैं, पर हम प्रमुख तौर पर आपसी संबंध के पहलू पर ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक ईमेल भेजकर लोगों को अवगत करें कि लोग उस विषय पर प्रार्थना करें। यद्यपि वो ठीक है, अच्छी बात है, पर हम उन लोगों को जानना चाहते हैं जिनके साथ हम प्रार्थना करते हैं। और आज के दिन जैसा कि 20 साल पहले ऐसा नहीं था, अब हमारे पास चमत्कारी आधुनिक तौर तरीके हैं आपसी संपर्क के लिए, जिससे ना केवल टेलीफोन कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है बल्कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं, जो बढ़िया बात है। हमारे कई ग्रुप जिनमें लोगों की संख्या 2 या 3 से लेकर 50 से ज्यादा तक है, जिसमें आप पाएंगे कि कई तरह के अलग अलग कार्यक्रम हैं, जैसे कि अम्यूजिंग जूम, जो एक अच्छा कार्यक्रम है। और हमारे इस समूह में पूरे संसार से लोग हैं जो न केवल हमारे साथ प्रार्थना करते हैं, हम उनकी प्रार्थना को सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि वो क्या प्रार्थना करते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या मजेदार नहीं होगा? थ्रोन रूम के प्रार्थना योद्धा। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात होगी। अब आने वाले समय में ऐसा ही होने जा रहा है, तो आप एक व्यक्तिगत संबंध विकसित कर सकते हैं, चाहे वो व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में क्यों ना हो, या कोई व्यक्ति चाहे वो दक्षिण अफ्रीका से हो, आप उसके साथ सहमत हो सकते हैं। जब आप किसी के साथ प्रार्थना करते हैं तो उन्हें जानने लगते हैं, तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे मैं सोचता हूँ कि हम एक वैश्विक संबंध स्थापित कर सकते हैं दूसरे प्रार्थना के योद्धाओं के साथ। जैसे दक्षिणी अफ्रीका का देश, ये महज नक्शे पर कोई स्थान नहीं है, पर वहाँ आपके मित्र हैं और आप जानते हैं उनके साथ कैसे प्रार्थना करना है, आप उनको और उनकी बातों को जानते हो।
तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो हमें बहुत रोमांचित करता है। उत्साहित करने वाला है। इसके पीछे भविष्यवाणी की एक पृष्ठभूमि है। परमेश्वर ने हमें सिखाया कितनी सामर्थ्य हो सकती है 6 लोगों की प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना जो समर्पित है संबंध बनाने के लिए परमेश्वर के साथ ही नहीं लेकिन एक दूसरे के साथ भी, और चौथे पहर की प्रार्थना की सामर्थ्य के लिए भी। लेकिन उन शुरुआती दिनों के समय में हम बहुत से, अगर कहें तो, दबाव में थे शत्रु की ओर से, और बहुत सी चुनौतियों का सामना कर रहे थे, और मैं परमेश्वर के सम्मुख थी और मैं पूछ रही थी कि परमेश्वर क्यों क्यों ऐसा हो रहा है। हम समर्पित हैं, हम दशमांश दे रहे हैं, जो कुछ भी जानते हैं सब कर रहे हैं, तो ये सब चीजें हमारे साथ क्यों हो रही हैं? हमारे जीवन हमारे ही सामने नष्ट हो रहे हैं। शारीरिक रूप से मुझ पर भी हमला किया गया था और परमेश्वर मुझे एक खुले दर्शन में लेके गए, और मैंने न्यूयॉर्क की सड़कें देखी और ये 2 इमारतें देखी जिनमें विस्फोट हुआ। ये नवंबर 2000 की बात है, और वो जमीन में गिरकर नाश हो गया, और उस धुंधले आसमान में से एक बड़ा सा दानव निकल कर आया। उसने उस मलबे को अपने हाथ में लिया, उसमें बिग बैन थी। सबसे बड़ी बात इस पूरे खुले हुए दर्शन में ये थी कि इसने एक आत्मिक मलयुद्ध छेड़ दिया। उसके बाद मुझे चंगाई रोचक मिली है। और बहुत सारी चीजें जो हम सामना कर रहे थे वो गायब हो गई। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ हमें नवंबर 2000 में देखने को मिला, जब अतल्या फाटक पर थी, और ये बिल्कुल उससे पहले की बात है जब न्यूयॉर्क में हमले हुए हाँ, थे। न्यूयॉर्क में। और बिग बैंग जो है वो दर्शाती है सारे संसार के समय को, कि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और घड़ी हमेशा पहरेदारी को दर्शाती है। बाइबल अनुसार इसका अनुवाद दूसरे राजा 11वें वचन में, अतल्या इज़राइल पर राज कर रही थी और पूरे राजवंश को नाश कर रही थी, तब याजकों ने पहरुए बिठाए अलग अलग फाटकों पर, और उस पहरेदारी के कारण वास्तविक राजा सबके सम्मुख आगे आ पाया। और इतने वर्षों के बाद जब मैंने ये खुले हुए दर्शन को देखा, फिर 9/11 की दुर्घटना ने हमारे ध्यान को खींचा, पर उस खुले दर्शन से हमें एक बुलाहट मिली इस प्रार्थना के लिए जो इतने साल से हम लेकर चल रहे हैं। और सच में हमें नहीं लगा, ओ हमारे खुदा, कौन लोग ये ग्लोबल वॉच करेंगे, और ऐसे ही कोई पूर्ण विचार आए थे। लेकिन जब हम इस बदलाव से होकर जा रहे थे, परमेश्वर ने बहुत ही साधारण संदेश दिए, परमेश्वर से प्रेम करने के, एक दूसरे से प्रेम करने के, और यही मान आज्ञा भी है। परमेश्वर की स्तुति हो। जानते, मैं सोचती हूँ कि एक बदलाव आ रहा है प्रार्थना की सेवकाई में। इसलिए मैं विश्वास करती हूँ कि गॉड टीवी प्रायोजित कर रहे हैं थ्रोन रूम प्रेयर को, और ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने हमसे सहायता करने को कहा। ये समय है जब चीजें बदलने वाली हैं और अपने स्थानों को बदल रही हैं, तभी से आपको लगा बदलाव आ बिल्कुल रहा है सही। प्रार्थना सेवकाई में। अगला प्रश्न ये है कि लोग कैसे जानेंगे कि आप क्या क्या कार्य कर रहे हैं? अपनी किताबों के बारे में और साधन के बारे में बताएं, आप उनको बेहतर समझते हैं। हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ है, हमारे पास 2 वेबसाइट है, एक तो है यूएसए वॉच, दूसरी है ग्लोबल वॉच, और द यूएसए वॉच या फिर द ग्लोबल वॉच। आप ऑनलाइन जा सकते हैं और हमारे दर्शन को देख सकते हैं। हमारा दर्शन जो है बहुत साधारण है कि हम निर्माण करना चाहते हैं प्रार्थना और एक ऐसे संप्रदाय का जो बदलाव और बेदारी लाए। मुझे नहीं लगता कि आप सामूहिक प्रार्थना कर सकते हैं संप्रदाय में जब तक आप वहां बिल्कुल बदलाव या सही, कोई बिल्कुल कार्य सही। होता ना देखें। ये हमारी आशा है क्योंकि हमने और बहुत सारी चीजें बदलते हुए देखी है। हमारे संदेश और हमारी इच्छा यही है कि हम उन समूह तक पहुंचे जो छुपे हैं, अनजान हैं, उनको हम कहें आप अमूल्य हैं। बिल्कुल सही। और जब हम ग्लोबल वॉच के दर्शन में आगे बढ़े, बहुत ही अलौकिक था, और वहां पर बहुत से पड़ाव आए जहाँ पे केवल परमेश्वर काम कर सकते हैं और वो आपके दिमाग को हिला देता है। लेकिन जब हम उसमें आगे बढ़े, परमेश्वर ने कहा युद्ध भूमि में बहुत सारे जनरल हैं, बस वो आगे बढ़ने के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो छुपे हुए क्षेत्र में, ये मेरा तो दर्शन भी है। सच में हाँ, हाँ जी। उनसे संपर्क करके हम कहें कि आप मूल्यवान हैं। ये एक महत्वपूर्ण भाग है। ये प्रार्थना इस विषय में है कि कोई भी छोटा नहीं है,
और ना ही कोई सेवका इतनी बड़ी है कि भाग न ले इसमें। हम बिल्कुल भी दखल नहीं देते व्यक्तिगत सेवकाई की बुलाहट में, ना ही हम अगुओं की प्रणाली में बिल्कुल भी दखल देते हैं अलग अलग सेवकाइयों में। ये बुरी तरह से प्रार्थना सेवकाई है। नहीं मिया के समान जहाँ अलग अलग परिवारों ने निर्णय लिया कि वे उस दीवार के निर्माण में अपना योगदान देंगे, अब हम विश्व के कोने कोने से लोगों से संपर्क बना रहे हैं। वाह, और ये आपस में जुड़ने का समय है। हम आपसी संबंधों में जुड़ जाएं, समय की आज यही जरूरत है। आज यहाँ पे भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विश्वास करती हूँ कि आपके अंदर एक हलचल हुई होगी। राउस ने जो बांटा उसके द्वारा मुझे पता है मेरे अंदर हुई है, और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप ये महसूस करते हैं कि आप सब एक हैं। हम जानते हैं कि हम एक हैं, लेकिन हमारे दर्शन एक दूसरे के साथ एक साथ चलते हैं। मैं जरूर आपको उत्साहित करूंगी कि आप उन वेबसाइट पर जाएं जिनका उन्होंने जिक्र किया है। वहां पर कुछ किताबें हैं और भी साधन है, और वो सब आपके लिए वहां पर उपलब्ध है। आप गलत मार्ग पर नहीं जा सकते। अब हम कुछ समय लेंगे प्रार्थना करने के लिए। तो यहीं पर ये सत्र खत्म होता है हमारे शानदार मित्रों के साथ। अब हम यीशु के नाम को ऊंचा उठाएंगे आराधना और मध्यस्थी के दौरान। क्या आप एक मध्यस्थ हैं? थ्रोन रूम प्रेयर के मध्यस्थों की मंडली से जुड़ें, ताकि आप विश्व भर के प्रार्थना मिशन का भाग हो सकें और हम सब एक साथ मिलकर देशों पर प्रभाव डाल सकें। ऑनलाइन साइन अप करके आप लैला तहरून द्वारा शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और फेसबुक पे भी हमारे मध्यस्थों के समूह का भाग हो सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप जाएं god.tv/trp पर और गॉड टीवी के मध्यस्थ बने आज ही। आप सबका फिर से स्वागत है। हम थोड़ा सा समय बिताएंगे आराधना और मध्यस्थी प्रार्थना में। मेरी एक और शानदार मित्र लिडिया मारो कीबोर्ड बजा रही हैं। हम दोनों ने मिलकर कई जगहों पर प्रार्थना और मध्यस्थी की अगुवाई की है। तो आप सब हमारे साथ जुड़े। जो लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोगों के घर, आपके घर परिवार और आपके जीवन में प्रभाव पड़ा है। उस वचन के अनुसार हम ये थोड़ा सा समय प्रार्थना के लिए लेंगे, ताकि हम परमेश्वर के आगे अपने आप को दीन कर सकें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हम आपको ऊंचा उठाते हैं, ऊंचा ऊंचा ऊंचा। हाँ परमेश्वर, आज हम अपने आप को दीन करते हैं। हमें दीन बनना आप सिखाएं। हमारे अंदर के घमंड को आप तोड़ दें, उस घमंड के बीच को आप नष्ट कर दें जो कोशिश करता है, जो हमारी अगुवाई शरीर के कामों की ओर करता है आत्मिक बातों से भटकाकर। परमेश्वर, हम आत्मा में आपकी आराधना करना चाहते हैं और सच्चाई में। परमेश्वर, ये केवल आप कर सकते हैं। परमेश्वर, हम असमर्थ हैं, ये हम कहते हैं। हम वही कहते हैं जो आपने अपने चेलों से कहा, आत्मा तो बलवान है लेकिन शरीर कमजोर है। आत्मा तो बलवान है लेकिन हम अंगीकार करते हैं कि हमारा शरीर कमजोर है। हम पूरी तरह से केवल आप पर निर्भर हैं। परमेश्वर, हम जानते हैं कि हम देश को नहीं बदल सकते। हम जानते हैं कि हम अपने परिवार को और अपने दिल को नहीं बदल सकते, परंतु पवित्र आत्मा वकालत कीजिए। आप परमेश्वर की ओर से हमारे मित्र हैं, हमें दिलासा देने वाले हमारे शिक्षक। आप ये सब करने में सक्षम हैं। पवित्र आत्मा, आपको हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम परमेश्वर के साथ में यहाँ पर सहमति में आते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, मैं पूरी आत्मा के साथ आपके साथ सहमति में आती हूँ परमेश्वर, और आपकी पवित्रता में भी। परमेश्वर, मैं आपसे मांगती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर, आप हमारे जीवन के वो क्षेत्र हमें दिखाएंगे जहाँ बदलाव की आवश्यकता है। परमेश्वर, हम अंगीकार करते हैं कि हम कुछ भी नहीं बदल सकते, लेकिन आप सब कुछ बदल सकते हैं। परमेश्वर, उन सब बातों को हम आपके कदमों में रख देते हैं। मेरे दिल में जागरूकता दीजिए परमेश्वर, मेरे दिल को अपने प्रति जागरूक करिए परमेश्वर। ओ, मेरे पास एक आज्ञाकारी हृदय हो, मेरा दिल इतना बड़ा हो कि एक देश से दूसरे देश पहुंच सके। हाँ, आप पवित्र हैं, आप पवित्र परमेश्वर हैं। परमेश्वर, आपने हमें अलग करके अपने सम्मुख याचक ठहरा दिया।
हमारे हाथ शुद्ध और हमारे हृदय आपके सम्मुख पवित्र ठहरे परमेश्वर। यीशु आपकी स्तुति हो। आइए अब हम अपने पाप के मार्ग से फिरें। परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आपने हमें जीवन के उस क्षेत्र बताए जो हम ठीक नहीं कर सकते लेकिन आप कर सकते हैं। परमेश्वर होने दें कि आपके लोगों के अंदर एक अधीनता आ जाए ओ पिता, ताकि वो ये जान सकें जिन क्षेत्रों पर आप उंगली उठा रहे हैं भले ही वहाँ पर कोई आशा नहीं है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ उन शराबियों के लिए, नशे के आदि उन लोगों के लिए, और वो लोग जो व्यभिचार के पाप के अंदर पड़े हुए हैं, और वो लोग जो घमंड और हटीलेपन में जकड़े हुए हैं, वो लोग जिनके पास अपनी ही योजनाएं हैं, वो परमेश्वर देख सकें कि केवल एक ही योजना है जो बदलाव ला सकती है, वो है आपकी योजना। इसलिए परमेश्वर हम आपके साथ संपर्क में आना चाहते हैं। आपने कहा आप सुनेंगे यदि हम ये सब करें तो, और आप हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देंगे। इस देश से शुरू करें परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है कि पिता जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए इस पृथ्वी पर जैसे स्वर्ग में है। परमेश्वर पहले वो हमारे जीवन के पृथ्वी पर आए और हमारे अंदर खुदाई शुरू करें। उन कठोर क्षेत्रों में हमारे जीवन में आप खुदाई शुरू करें और धार्मिकता के बीज को आप बो दें। ओ पवित्र पवित्र, हाँ परमेश्वर, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद आज हमारे साथ आराधना में जुड़ने के लिए। कार्यक्रम खत्म हो गया है इसलिए आप रुक न जाएं। हम अगले कार्यक्रम के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हाँ, और ये आपके लिए जीवन परिवर्तित करने वाला अनुभव हो जाए जब आप अपने आप को दीन करते हैं। कुछ आराधना के संगीत चलाएं, अपने ही गीत गाएं, हालेलुया। आराधना और मध्यस्थी की प्रार्थना मोहक बलिदान के रूप में उठे। परमेश्वर आपको आशीष दे। रूम रूम प्रेयर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके साथ फिर से मिलने के लिए इंतजार करेंगे। रूम रूम के मध्यस्थों के नेटवर्क से जरूर जुड़े और आप देख सकते हैं विशेष लेख, वीडियो और शिक्षाओं को, और फेसबुक पे हमारे मध्यस्थों के समूह में आप जुड़ सकते हैं। जरूर विजिट करें gov.tv/prp।